Jadi gimana spiritnya? Apa? Maaf Pak, selain anggota. Hello dosto, welcome to Horrorland. तो कैसे आप सभी लोग, आज मैं जो मूवी आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, डिस्टर्बिंग और साइकोलॉजिकल मूवी है। ये मूवी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि अपने दिमाग में कई सारी स्टोरीज बनाता है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और थ्रिलिंग मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मूवी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो मूवी को पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक स्कल्पचर एग्जीबिशन से। पूरी एग्जीबिशन फेमस आर्टिस्ट गैम्बियर की थी, जो कि अपने यूनिक आर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। उसके स्कल्पचर बाहर आते ही पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो जाया करते थे। लेकिन गैम्बियर सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी के ही स्कल्पचर बनाता था और तभी से वो सक्सेसफुल हुआ था। अब गैम्बियर के दोस्त जॉन को उसके स्कल्पचर को देखकर अपनी माँ की याद आती थी, जब वो उसके भाई को पैदा करते टाइम मारी गई थी। टेलीडा आती है जो कि बताती है कि प्रेग्नेंट होते टाइम बच्चे कितने भी ज़्यादा प्रॉब्लम दे, वो डिलीवरी के टाइम भी भले उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब एक माँ पहली बार अपने बच्चे को हाथ में लेती है तो वो पल उसकी माँ के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का पल होता है और सारा दुख दर्द भूल जाती है। टायला की इन बातों को सुनकर जॉन उसकी बहुत तारीफ करता है और दोनों गैम्बियर के सामने ही फ्लर्ट करने लगते हैं, जिससे कि गैम्बियर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। टेलीडा के फादर और गैम्बियर के दोस्त रियो और टिम सभी आज के सक्सेसफुल एग्जीबिशन से बहुत ही खुश थे, लेकिन गैम्बियर इतना खुश नहीं दिख रहा था, जैसे कि उसके अंदर कोई दर्द छुपा हो। वहीं पर कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि आखिर गैम्बियर किसकी बॉडी को देखकर ये स्कल्पचर बनाता है। एक लड़की कहती है कि वो उसकी वाइफ को देखकर तो इंस्पायर नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। उनकी इन सभी बातों को गैम्बियर सुन रहा था, जिससे कि उसको बहुत हर्ट होता है। गैम्बियर बाकी लोगों से दूर एग्जीबिशन के बाहर आकर स्मोक करने लगता है। उसके पास में उसकी वाइफ टेलीडा आकर कहती है कि उसको गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने उन सभी बेबी को एक नई शुरुआत दी है। लेकिन गैम्बियर कहता है कि वो जॉन नहीं है जिसे टेलीडा अपनी अच्छी अच्छी बातों से फूल बना सकती थी, सब उसके लिए एक बेकार की चीज़ थी। गैम्बियर को यहाँ पर खुद के ऊपर घिन आ रही थी। टेलीडा उससे पूछती है कि क्या इन कामों के लिए उसे कोई फोर्स कर रहा है। गैम्बियर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और ना ही उसको टेलीडा की आंखों में उसके लिए कोई प्यार नजर आ रहा था। यहाँ पर दोनों किस बारे में बातें कर रहे थे ये हम आगे देखने वाले हैं। फिर हम छोटे से लड़के को देखते हैं जिसने किसी को बहुत जोर से धक्का देकर दूर फेंका था। इस लड़के का इस मूवी में कोई भी नाम नहीं था, तो हम स्टोरी को समझने के लिए इस लड़के को जेम्स कहेंगे। अब हम टेलीडा और उसकी माँ क्लोडिया को देखते हैं, जो कि टेलीडा को बेबी के बारे में टिप्स दे रही थी। क्लोडिया गैम्बियर और टेलीडा को एक डॉक्टर के बारे में बताती है जो कि उनको बेबी पैदा करने के लिए हेल्प करेगा, लेकिन इस बात पर गैम्बियर उनको कोई जवाब नहीं देता है। तभी घर के डोर पर कोई नॉक करता है और गैम्बियर उठकर देखने जाता है। बाहर कोई भी नहीं था, बस डोर के आगे किसी ने हेल्प में लिखा हुआ था, लेकिन गैम्बियर इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब अगले दिन गैम्बियर अपने दोस्त रियो और टीमों के साथ में टेनिस खेलने जाता है, लेकिन वहाँ पर हार जाता है। टीमो उसे एडवाइस देता है कि अगर वो चाहे तो जीत सकता है, और ये मूवी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब घर आते टाइम गैम्बियर अपने और टेलीडा के एक पास्ट इंसिडेंट को याद करता है, जहाँ पर टेलीडा किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट थी। गैम्बियर इस बेबी को चाहता था, लेकिन टेलीडा अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए अभी बेबी नहीं चाहती थी। गैम्बियर तो शादी करने के लिए रेडी था, लेकिन टेलीडा ने अबॉर्शन करवाने का मान लिया था। मजबूरी में गैम्बियर को उसकी बात माननी पड़ती है और वो टेलीडा को अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में गैम्बियर को मैनिक नाम का एक आदमी मिलता है। मैनिक के मुताबिक सोसाइटी में शर्म की वजह से शादी से पहले बेबी नहीं कर सकते, ये सब बस लेडीज़ों के बहाने होते हैं। अगर उसे बच्चे से प्यार होगा तो वो उस बच्चे को जरूर रखेगी और अबॉर्शन नहीं करेगी। मैनिक अपनी वाइफ के बारे में भी बताता है कि पहली बार जब उसने अबॉर्शन किया था तो उसे बहुत दर्द हुआ था और फर्स्ट टाइम अबॉर्शन मर्डर जैसा फील होता है, लेकिन दूसरी बार अबॉर्शन हमारे लिए रेस्टोरेंट में खाना खाने जैसा होता है। हम लोग मैरिड जरूर थे, लेकिन हमें बेबी नहीं चाहिए था। गैम्बियर तक मैनिक से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। मैनिक बताता है कि उसकी वाइफ एक दो नहीं बल्कि 17वें अबॉर्शन करते टाइम मारी गई थी। हॉस्पिटल की एक नर्स ने उसके घोस्ट को भी देखा था, तो इसलिए वो उससे मिलने आया है। तभी टेलीडा ऑपरेशन रूम से बाहर आती है और उसके हाथ में एक प्लास्टिक बैग था जिसमें उसका अनबोर्न बेबी था। जाते टाइम मैनिक गैम्बियर के कान में कहता है कि अबॉर्शन के लिए टेलीडा को कोई गिल्ट नहीं हुआ होगा और वो उसके दुश्मन है। फिर कार में टेलीडा ऐसा दिखाती है कि अबॉर्शन करने के बाद में उसे बहुत बुरा लग रहा है और ये अच्छा होता है कि वो अपने बेबी के साथ में वो बीमारी जाती। गैम्बियर टेलीडा को उसके साथ हमेशा रहने का प्रॉमिस करता है और उसके बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं। गैम्बियर अब बाथरूम में जाता है और टेलीडा गैम्बियर के प्रेग्नेंट स्कल्पचर को देख रही थी। बेबी को खोकर गैम्बियर बहुत ज़्यादा दुखी था, वो उस बेबी का फादर बनना चाहता था। तभी हम बाथरूम का पानी ब्लैक होता हुआ देखते हैं।
फिर उसके बाद तलिडा गैम्बिर को बहुत ही अजीब बात बताती है कि वो अपने बेबी की डेड बॉडी को उसके स्कल्पचर के पेट के अंदर रखना चाहती है। तलिडा ने तो अपने मरे हुए बेबी का नाम भी अर्जासा रख दिया था और ठीक इसी तरीके से अपने बेबी को किस चीज के अंदर जिंदा रखना चाहती थी। लेकिन गैम्बिर इस पागलपन के लिए तलिडा को मना कर देता है और गुस्से में तलिडा उस स्कल्पचर को तोड़ने लगती है, जिससे कि उसके हाथ पर भी चोट आ गई थी। तलिडा की बात सुनकर गैम्बिर को उल्टियाँ होने लगी थी और तलिडा की जिद के आगे गैम्बिर की एक नहीं चलती है और वो प्रेग्नेंट स्कल्पचर के अंदर तलिडा के अनबोर्न बेबी को डाल देता है। फिर एक दिन तलिडा के फादर उस स्कल्पचर को देखने के लिए आते हैं और उसे खरीदने की बातें करते हैं। गैम्बिर तलिडा के लिए उस स्कल्पचर को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पर तो तलिडा ने ही उस स्कल्पचर को बेच दिया था। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके अंदर उसके अनबोर्न बेबी की डेड बॉडी होगी। अब तलिडा की जिद की वजह से गैम्बिर को एक के बाद एक वैसे स्कल्पचर बनाने पड़ते हैं। अब मोना नाम की एक नर्स गैम्बिर के अनबोर्न बेबी की डेड बॉडी ला देती है और किसी को पता नहीं था कि गैम्बिर के स्कल्पचर के अंदर क्या है, लेकिन उसके स्कल्पचर बिकने लगते हैं और बहुत ही कम टाइम के अंदर गैम्बिर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था। फिर गैम्बिर और तलिडा की शादी भी हो जाती है और उसके पिता उनको एक घर भी गिफ्ट करता है। हॉस्पिटल में बेबी की डेड बॉडी लाते टाइम गैम्बिर को ऐसा फील होता है कि कोई बहुत ही पेन के अंदर चिल्ला रहा है और मैनिक उसे वेकअप बोल रहा था। वो प्रेजेंट टाइम में आता है और गैम्बिर ने मान लिया था कि वो अब अपने लिए भी एक स्टैंड लेगा। तभी उसे किसी का कॉल आता है जो कि उसे हेल्प मांग रहा था। गैम्बिर को ऐसा लगता है कि किसी के बच्चे उसके साथ में प्रैंक कर रहे थे। फिर उस रात को गैम्बिर तलिडा को बताता है कि वो अब वैसा स्कल्पचर नहीं बनाएगा और इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फाइट होती है। यहाँ पर हमें तलिडा की बातों से पता चलता है कि प्रॉब्लम उसे नहीं बल्कि गैम्बिर को है और वो कभी भी बाप नहीं बन सकता है। गैम्बिर तलिडा की बातों से गुस्सा होकर उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने वाला था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है और वहीं पर रुक जाता है। फिर इसी दौरान एक परफ्यूम की बोतल गिर जाती है और उससे फिसल कर तलिडा के सर पर चोट लगती है। फिर उसके बाद तलिडा गैम्बिर से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि वो आज के बाद उन कामों के लिए गैम्बिर को कभी फोर्स नहीं करेगी। यहाँ पर गैम्बिर भी तलिडा से माफ़ी मांगता है। अब हम जेम्स को देखते हैं जिसे किसी ने कई दिनों से बांध के रखा हुआ था, जिस वजह से वो एक ही जगह पर टॉयलेट कर रहा था। अब हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो कि जेम्स की ड्राइंग बना रही थी, लेकिन जर्नलिस्ट का फेस हमें नहीं दिखाया गया था। अब अगले दिन हम गैम्बिर और तलिडा के फादर को देखते हैं जो कि गैम्बिर के लिए 2 महीने का एग्जीबिशन प्लान कर रहे थे, लेकिन इस बार गैम्बिर प्रेग्नेंट लेडी के स्कल्पचर नहीं बनाना चाहता था और वो कुछ नया बनाना चाहता था। तलिडा के फादर का कहना था कि अगर उसको अच्छे सक्सेस और पैसा मिल रहा है तो गैम्बिर को अपना स्टाइल क्यों बदलना है। तलिडा के फादर को यह भी पता था कि गैम्बिर अपने स्कल्पचर के अंदर उस अनबोर्न बेबी को डाला करता था, क्योंकि पहला स्कल्पचर पुत्र से टूट गया था और उसके अंदर उसने बेबी की डिकम्पोज बॉडी को देख लिया था। अगर किसी को पता चला कि वो अपने स्कल्पचर में क्या करता है तो उसकी वाइफ जेल जा सकती थी और इसलिए गैम्बिर को चुपचाप अपना काम कंटिन्यू रखना पड़ता है। मजबूरी में गैम्बिर वही स्कल्पचर बनाने लगता है। फिर एक दिन गैम्बिर का एक टूल एक अलमारी के अंदर घुस जाता है और उसे निकालने के लिए गैम्बिर अलमारी को हटाता है, तब उसे एक रेड डोर दिखाई देता है और उस डोर के ताले को वो तोड़ने ही वाला था कि तभी तलिडा आकर उसे रोक लेती है। गैम्बिर के पूछने पर तलिडा ये बताती है कि उस डोर के अंदर बस बुरी यादें हैं और वो नहीं चाहता है कि वो यादें उसको हार्म करें, तो इसीलिए वो गैम्बिर को वो डोर खोलने से मना करती है, नहीं तो वो उसकी लाइफ से चली जाएगी। गैम्बिर भी उसकी बातें मान जाता है और अगले दिन तलिडा उस डोर पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगा देती है। अब अगले दिन गैम्बिर अपने दोस्त टीमो के साथ में कॉफ़ी शॉप पर टाइम स्पेंड कर रहा था। गैम्बिर को वेटर एक कुकी देकर जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि अपने दाहिने तरफ देखो। जब वो अपने दाहिने तरफ देखता है तो उसे दीवार पर हेल्प में लिखा हुआ दिखता है। मैसेज उसके दोस्त को भी दिखाई देता है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर अगले दिन गैम्बिर जब अपने दोस्तों के साथ में टेनिस खेलने जाता है तो उसको एक लेटर मिलता है। उस लेटर में भी हेल्प में लिखा हुआ था। गैम्बिर को लगता है कि यह सब कुछ उसके दोस्त उसके साथ में प्रैंक कर रहे हैं और इसीलिए वो उनके साथ ही झगड़ने लगता है। तभी गैम्बिर को जेम्स दिखता है और गैम्बिर उसका पीछा भी करता है। जेम्स का पीछा करते हुए गैम्बिर एक मार्केट तक आ गया था। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी गैम्बिर को बोलती है कि तुमने उस दरवाजे को बंद क्यों नहीं किया। गैम्बिर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद में हम जेम्स की माँ और उसके फादर को देखते हैं। जेम्स खाना नहीं खा रहा था और उसकी माँ ज़बरदस्ती उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाकर खाना खाने को कहती है और उसे ज़बरदस्ती खाना भी खिलाती है। जेम्स फिर भी खाना नहीं खाता है तो इसीलिए उसकी माँ बुरी तरीके से उसे मारने पीटने लगती है। उसके पिता उसे नहीं बचाते हैं बल्कि वो भी उसे मारने पीटने लगते हैं। अब अगले दिन गैम्बिर उसकी हेल्प से उस मैसेज को देखने जाता है। उस मैसेज के पास में ह्यूराइज बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ था। जेम्स के बारे में जानने के लिए गैम्बिर उसकी बिल्डिंग में जाता है। उस बिल्डिंग के बाहर भी हेल्प में लिखा हुआ था। गैम्बिर हीरो से इस बिल्डिंग के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे रूम के अंदर नहीं जान देती है। उस रिसेप्शनिस्ट का नाम को था और उसके मुताबिक
वहाँ सिर्फ वहाँ के मेंबर जा सकते थे। गैम्बिट उससे पूछता भी है कि यहाँ पर क्या चलता है, लेकिन को उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देती है और वहाँ पर वो सिक्योरिटी बुलाकर उसे उस बिल्डिंग से बाहर निकाल देती है। गैम्बिट को शक था कि यहाँ पर बच्चों को किडनैप करके रखा जाता है, तो इसलिए गैम्बिट उस बिल्डिंग पर नज़र रखने जाता है। अब अंदर जाने वाले लोगों से अंदर क्या चल रहा है गैम्बिट इस बारे में पूछता है, लेकिन वे सब भी कोई जवाब नहीं देते हैं। एक आदमी तो गैम्बिट को अपने गन पॉइंट पर लाकर उसे इस बारे में कुछ भी पूछने से मना करता है। फिर अगले दिन गैम्बिट अपने दोस्त टीमो को उसे बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखता है। टीमो के बाहर आने के बाद में वो उसे बिल्डिंग के अंदर क्या चलता है उस बारे में पूछता है, लेकिन टीमो उस बिल्डिंग के क्लब की मेंबरशिप ले चुका था, तो इसलिए वो रूल के हिसाब से उसको कुछ नहीं बता सकता था। टीमो के मुताबिक गैम्बिट बहुत ही कमज़ोर आदमी था और वहाँ पर जो भी चल रहा था उसे गैम्बिट नहीं देख सकता। गुस्से में आकर गैम्बिट टीमो पर हाथ उठा देता है और उसके बाद में हम दोनों को हीरोसेस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखते हैं। टीमो गैम्बिट को उस क्लब की मैनेजर टीना से मिलवाता है। टीना गैम्बिट को वेलकम करती है और मेंबरशिप लेने से पहले टीना गैम्बिट को वहाँ से रूल समझा देती है। पहला रूल था कि वहाँ पर क्वेश्चन पूछना मना था, दूसरा ये था कि अगर उसने रूल तोड़ा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। अगर गैम्बिट को किसी सवाल का जवाब चाहिए तो उसे अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करना होगा। फिर उसके बाद में गैम्बिट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके मेंबरशिप ले लेता है। उसे फिर से एक रूम के अंदर भेज दिया जाता है जहाँ पर एक टीवी था। एक कार्ड पर सभी चैनल के नाम लिखे हुए थे और रिमोट से गैम्बिट चैनल बदलने लगता है। पहले चैनल पर एक आदमी को बांध कर रखा गया था जिसको एक दूसरा आदमी बुरी तरीके से पीट रहा था। दूसरे चैनल पर जेल के कैदियों के साथ में एक पुलिस ऑफिसर रेप कर रहा था। तीसरे चैनल पर एक बूढ़ी औरत अपने हाथों पर सुई चलाकर कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। इन सब घिनौनी चीज़ों को देखकर गैम्बिट वहाँ से जाने वाला था, तभी उसे रिमोट नीचे गिर जाता है और अपने आप चैनल चेंज हो जाता है। उस चैनल पर जेम्स अपने घर पर था और कैमरा के सामने वो हेल्प मांग रहा था। गैम्बिट उसे देखकर शॉक्ड था। तभी जेम्स की माँ उसके पास आकर उसको गाली देकर उसे घसीटते हुए उस रूम से ले जाती है। गैम्बिट के चैनल बदलता है लेकिन उसे जेम्स कहीं नहीं दिखाई देता है। फिर जेम्स के बारे में पूछने के लिए गैम्बिट टीना के केबिन के पास जाता है, लेकिन को उसे बताती है कि टीना अभी ऑफिस में नहीं है और गैम्बिट को से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। को उसे बताती है कि उसे कुछ नहीं पता और वो बस एक रिसेप्शनिस्ट है। वहाँ से निकलकर गैम्बिट टीमो से टीवी पर चल रहे उन लोगों के बारे में पूछता है। टीमो गैम्बिट को ये रूल याद दिलाता है कि उसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है और जब तक वो यहाँ पर रहेगा उसे अजीब वीडियो देखने मिलेंगे। टीमो को बस ये पता था कि इस सिटी के कुछ हाउसेस में कैमरे लगे हुए हैं और ये सब असली फुटेजेस हैं। गैम्बिट जेम्स को बचाने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला था। टीमो के मुताबिक इस क्लब के साथ बहुत ही बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे, तो पुलिस भी इसका कुछ नहीं कर सकती थी। वहाँ पर देखी हुई सभी चीज़ों को टीमो गैम्बिट से इग्नोर करने को कहता है क्योंकि वे उन लोगों को नहीं जानते थे। टीमो गैम्बिट को उस क्लब में आते रहने को कहता है ताकि वो जेम्स के साथ क्या क्या होता है ये देख पाए। अगर गैम्बिट ने कोई कदम उठाया तो उसकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी और तब वो जेम्स को कभी नहीं देख पाएगा। फिर अगले दिन गैम्बिट एक कैफे के बाथरूम में चला जाता है। उसे पास की गर्ल्स बाथरूम से किसी जर्नलिस्ट की आवाज़ आ रही थी जो किसी से जेम्स के चाइल्ड एब्यूज के बारे में बातें कर रही थी और वो तो जेम्स के बारे में लिखने भी वाली थी। उस जर्नलिस्ट से मिलने के लिए गैम्बिट गर्ल्स बाथरूम जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। बाहर वेटर ने भी किसी लेडी को बाथरूम से बाहर जाते हुए नहीं देखा था और कैफे के बाहर भी गैम्बिट को कोई लेडी नहीं दिखती है। गैम्बिट फिर से क्लब में आकर टीवी पर जेम्स को ढूंढने लगता है। पहले तो टीवी पर उसको एक स्कूल की लड़की बाथरूम में दिखाई देती है जिसे एक आदमी गलत तरीके से टच कर रहा था। फिर वो ओल्ड लेडी जो अपने हाथों पर नीडल चलाकर एम्ब्रॉयडरी कर रही थी वो उसे दिखती है और फाइनली उसे जेम्स दिखाई देता है जिसे उसकी माँ जल्दी नहीं उठने के कारण गाली दे रही थी। जेम्स ने अपने बिस्तर पर यूरिन कर दिया था तो इसलिए उसकी माँ उसे बहुत ही ब्रूटली तरीके से पीटने लगी थी। फिर जेम्स के फादर एक कुल्हाड़ी से उसके बेड का टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। गैम्बिट को तो ये डर था कि कहीं उसके फादर कुल्हाड़ी से जेम्स को नहीं मार डालें। जेम्स की हालत देख कर गैम्बिट की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि जेम्स कहाँ पर है। जेम्स की हालत पर गैम्बिट घर तक रोते रोते आता है और तलिडा भी गैम्बिट की हालत देखकर शॉक्ड में थी। तलिडा गैम्बिट को समझाने लगती है और तभी गैम्बिट के दिमाग में एक बात आती है कि अगर उसके घर के बाहर जेम्स ने हेल्प में लिखा था मतलब कि जेम्स आसपास से कहीं रहता है। जेम्स को ढूंढने के लिए गैम्बिट घर के बाहर जाता है और उसी टाइम टीमो वहाँ पर आ गया था। तलिडा और टीमो गैम्बिट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैम्बिट बार बार जेम्स को ढूंढने की बातें कर रहा था। तब टीमो उसे बताता है कि जेम्स को उसकी माँ ने जान से मार डाला है। यह सुनकर गैम्बिट बहुत ही ज़्यादा रोता है क्योंकि उसने सोचा था कि वो जेम्स की हेल्प कर पाएगा। तलिडा को भी टीमो और रियो बताते हैं कि गैम्बिट ने कुछ चीज़ें देख ली है जिस वजह से उसका ब्रेकडाउन हो गया है। सीन कट होता है और कुछ दिन के बाद फिर से गैम्बिट का एग्जीबिशन होता है जहाँ पर सारे बड़े बड़े लोग आते हैं।
और गैम्बियर के सभी स्कल्पचर सोल्ड आउट हो जाते हैं। यहाँ पर क्लोडिया चाहती थी कि गैम्बियर कुछ दिन रेस्ट करें और तेलिडा के साथ में एक बेबी को प्लान करें। और तेलिडा के फादर गैम्बियर को इस एग्जीबिशन के बाद में तेलिडा के साथ में हॉलीडे पर जाने को कहते हैं। तेलिडा के फादर और तेलिडा, टीमो, रियो गैम्बियर को मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन गैम्बियर उनसे दूर बाथरूम की तरफ चला जाता है। फिर इधर हम जेम्स को देखते हैं जो कि मरा नहीं था। उसके एग्जाम में कम मार्क्स आए थे तो इसलिए उसकी माँ उसे गाली देने लगती है और उसे फिर से घसीट कर बाथरूम के अंदर ले आती है। फिर जेम्स पर ठंडा पानी डालकर उसे टॉर्चर करने लगती है। दूसरी तरफ गैम्बियर को कुछ लोगों की बातें सुनाई देती है जो कि जेम्स की बातें कर रहे थे। उनकी बातों से गैम्बियर को पता चलता है कि जेम्स जिंदा है। एक आदमी के मुताबिक लोग जानबूझ के ब्रूटल वीडियो बनाते हैं ताकि उनको ज़्यादा पैसा मिले। जेम्स की माँ और फादर ने उसकी इतनी ख़राब हालत की थी कि वो जल्दी मर ही जाएगा। इन सब बातों को जानकर गैम्बियर तुरंत हीरोसी बिल्डिंग के क्लब के लिए निकल जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि सारे रूम बुकड हो चुके हैं। गैम्बियर को समझाता है कि वो बाकी लोगों की तरह नहीं है, कि किसी का दर्द देखकर उसे मजा आए। उसे वहाँ पर बस कुछ सच जानना था। उसकी बात मानकर को उसे एक रूम दे देती है। वो सभी चैनल में गैम्बियर जेम्स को ढूंढने लगता है, लेकिन जेम्स उसे कहीं पर नहीं दिखाई देता है। उसके पेरेंट भी अपने रूम में सो रहे थे और तभी वो जेम्स को कैमरा के सामने देखता है। जेम्स की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी और वो किचन से एक चाकू उठाता है और वो अपने पेरेंट के रूम में जाकर दोनों का गला काट देता है। उसके पेरेंट तड़प तड़प कर मारे जाते हैं और उसके बाद में जेम्स खुद का गला काट कर खुद को ख़त्म कर लेता है। उसकी मौत से गैम्बियर टूट गया था और उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जेम्स ऐसा कदम उठाएगा। इतनी कोशिश करने के बाद भी गैम्बियर जेम्स को नहीं बचा पाया था। तभी गैम्बियर को कार्ड पर अपनी वाइफ का नाम दिखाई देता है तो इसीलिए वो 30 नंबर चलाता है जो कि उसके घर का पहले से रिकॉर्डेड फुटेज था। उस फुटेज में क्लोडिया तेलिडा से एक होटल के रूम 33 में रियो से मिलकर उसके साथ में इंटीमेट होने को कहती है ताकि तेलिडा को एक बेबी हो सके, क्योंकि गैम्बियर उसे बेबी नहीं दे सकता था, इसलिए तेलिडा इस बात के लिए मान जाती है। दूसरे फुटेज में तेलिडा होटल के रूम में रियो से मिलती है और वो उसके साथ में इंटीमेट होने लगती है। गैम्बियर को धोखा देकर तेलिडा को बिल्कुल भी गिल्ट नहीं हो रहा था। ऊपर से वो टीमों के साथ में इंटीमेट भी हो रही थी। एक फुटेज से गैम्बियर को पता चलता है कि जिसे वो अपनी फैमिली मान रहा है वो उससे प्यार नहीं करता। तेलिडा, पुत्री क्लोडिया सभी उसके पैसे के लिए उसके साथ में थे और इन बातों को जानकर गैम्बियर उनसे बदला लेने की सोचता है। इसलिए वो टीमो, रियो, तेलिडा, क्लोडिया और पुत्री के लिए एक क्रिसमस डिनर प्लान करता है। अब अगले दिन गैम्बियर एक आदमी से एक गन खरीदता है। हम देखते हैं कि पूरे शहर में सभी लोग क्रिसमस की खुशी मना रहे थे और यहाँ पर रात को टीमो और रियो गैम्बियर के घर पर डिनर के लिए आते हैं। गैम्बियर खुशी से उनका वेलकम करता है और थोड़ी देर के बाद में क्लोडिया और पुत्री भी वहाँ पर आते हैं। रात का पूरा खाना गैम्बियर ने सभी लोगों के लिए बनाया था। गैम्बियर सभी के लिए वाइन लेने जाता है और उस वाइन में उसने पैरालिस करने वाली मेडिसिन डाल दी थी। फिर बिना कुछ जाने बाकी के लोग उस वाइन को पी लेते हैं। गैम्बियर सभी को उसकी ज़िंदगी को इतना अच्छा बनाने के लिए थैंक यू बोलता है। अब धीरे धीरे सभी के ऊपर उस मेडिसिन का असर होने लगता है। वे सभी लोग देखो सुन पा रहे थे लेकिन वो अपनी बॉडी को महसूस नहीं कर पा रहे थे और ना ही उसे मूव कर पा रहे थे। गैम्बियर उनको बताता है कि उसने उनकी वाइन में डेविलिश स्पिरिट को मिला है जिस वजह से वे सभी लोग 10 मिनट के अंदर पैरालाइज हो गए हैं। फिर गैम्बियर अपनी बात करने लगता है कि उसकी पूरी लाइफ उन लोगों ने डिसाइड की, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। सच्चे प्यार के लिए वो उन सभी की बातें मानता गया और गैम्बियर एक सॉन्ग चला देता है। गैम्बियर फिर तेलिडा के फादर पुत्री से कहता है कि उसने उसे अपना पिता माना लेकिन वो सिर्फ उसके पैसों के पीछे था। गैम्बियर फिर चाकू से पुत्री का गला काट देता है और बाकी लोग ये सब देखकर डर जाते हैं, लेकिन सभी वहाँ से भागने की हालत में नहीं थे। गैम्बियर ने टीमों को अपने दोस्त से ज़्यादा माना लेकिन वो उसे धोखा देकर उसकी वाइफ के साथ में इंटीमेट हुआ। ये कहकर गैम्बियर टीमों का भी गला काट देता है और वाइन के ग्लास का टुकड़ा वो उसकी आंखों में घुसा देता है। रियो हमेशा से ही गैम्बियर को कमजोर आदमी बोलता था। वो बाप नहीं बन सकता था इसलिए वो उसका मजाक उड़ाया करता था और आज वो गैम्बियर के सामने कमजोर है। गैम्बियर रियो का भी गला काट देता है और उनका पूरा खून गैम्बियर के ऊपर लग गया था। फिर उसके बाद गैम्बियर क्लोडिया के पास आकर कहता है कि बच्चे खुद दुनिया में नहीं आते हैं, उनको दुनिया में लाया जाता है, लेकिन कुछ पेरेंट खुद की मर्जी से बेबी लाकर भी उनको प्यार नहीं करते हैं। गैम्बियर क्लोडिया का सर एक सूप में डालकर उसका दम घोटकर उसे जान से मार डालता है। सबसे ज़्यादा गैम्बियर अपनी पत्नी तेलिडा से हर्ट हुआ था। वो इस बारे में जितना सोचता था वो और ज़्यादा हर्ट होता था, लेकिन फिर भी वो तेलिडा से प्यार करता था। लेकिन उसके धोखे के कारण वो तेलिडा को ज़िंदा नहीं छोड़ता है। तेलिडा को अलग तरीके से मारने के लिए उसने गन खरीदी थी। वो गन में सिर्फ एक ही बुलेट डालता है और अगर 3 बार गन चलाने पर तेलिडा बच गई तो गैम्बियर उसे ज़िंदा छोड़ देगा। वो तेलिडा पर गन चलाता है और दोनों ही बार गोली नहीं चलती है। तभी तेलिडा के बहुत कोशिश करने के बाद उस डोर के बारे में बोलने लगती है
कि अगर उसने उसे मार दिया तो कभी भी उस डोर के पीछे का राज नहीं जान पाएगा। फिर गैम्बिर तेलिडर पर गोली चला देता है और तीसरी गोली में वो मारी जाती है और गैम्बिर अब उन तीनों की डेड बॉडी के बीच में होता है। तब गैम्बिर उस रेड डोर को कुल्हाड़ी से काट कर खोलता है और उस रूम को देखकर गैम्बिर शॉक्ड में था, क्योंकि इसी रूम में जेम्स की फैमिली रहा करती थी। उस रूम में अभी भी उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फैमिली फोटो में जेम्स की माँ का फेस मिटा हुआ था और जब गैम्बिर जेम्स की माँ का फेस देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि टीना थी। तभी अचानक से जेम्स खड़ा होकर गैम्बिर को फेलियर कहता है और वहाँ की सभी डेड बॉडी गायब हो जाती है और पूरा रूम बिल्कुल साफ हो जाता है। उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसका नाम पुकार रही थी, लेकिन डर की वजह से गैम्बिर बेड के नीचे छुप जाता है और यहाँ पर इस मूवी का सबसे बड़ा राज खुलता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जेम्स और कोई नहीं बल्कि गैम्बिर का चाइल्डहुड था। अपने पेरेंट का मर्डर करने के बाद में गैम्बिर मेंटली पागल हो गया था और तब से वो असाइलम में है। तभी उसके पास एक जर्नलिस्ट आती है। वो जर्नलिस्ट और कोई नहीं बल्कि तेलिडा थी और हॉस्पिटल स्टाफ में हम टिमोरियो और को देख पाते हैं। गैम्बिर ने 8 साल की एज में अपने पेरेंट को मार दिया था तो उसी आज तक नहीं छोड़ा गया, क्योंकि एडल्ट होने पर गैम्बिर कुछ भी कर सकता था। गैम्बिर के दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता होता है। और यहाँ पर हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जिसे गैम्बिर मार्केट में मिला था। अगले दिन गैम्बिर चर्च के फादर से मिलता है जो कि उसकी तरह दिखता था, जिसके साथ में गैम्बिर अपने पाप बताने लगता है कि उसने अपनी वाइफ और बहुत लोगों का मर्डर किया है तो क्या उसे नर्क में भेजा जाएगा। फादर के मुताबिक यहाँ पर कोई भी नर्क और कोई भी स्वर्ग नहीं है। अगर वो चाहेगा तो उसे उसकी वाइफ जिंदा दिखेगी। वो अगर सच का सामना नहीं कर सकता है तो उसे अपने फॉरबिडन डोर को नहीं खोलना चाहिए और उस दरवाजे को बंद रखना चाहिए। हम देखते हैं कि कन्फेशन रूम से कोई और आदमी बाहर आता है और फादर के रूम में गैम्बिर बाहर आता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। हम तेलिडा को मेंटल हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं जिसने गैम्बिर की स्टोरी कंप्लीट कर ली थी और इस मेंटल हॉस्पिटल का नाम हेरोस था और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो अगर मैं आपको इसे आसानी से समझाना चाहूँ तो मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से होगी। जेम्स गैम्बिर का चाइल्डहुड था। चाइल्डहुड में गैम्बिर को उसकी माँ और उसके फादर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर और एब्यूज़ करते थे, जिस वजह से गैम्बिर की मेंटल हालत ख़राब हो गई थी। मर्डर के बाद में पुलिस ने गैम्बिर को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था और इतने सालों तक गैम्बिर वहीं पर था। सालों के बाद में तेलिडा वहाँ पर आई जो कि एक जर्नलिस्ट थी और गैम्बिर की स्टोरी को कवर करना चाहती थी। मूवी के बीच में तेलिडा ही थी जो कि गैम्बिर की फ़ोटो ड्राइंग कर रही थी। तेलिडा गैम्बिर के लिए हमेशा बुक लाती थी और उन स्टोरी को पढ़ते पढ़ते गैम्बिर ने अपने दिमाग में अपनी कला की दुनिया बना ली थी, जहाँ पर गैम्बिर एक बड़ा स्कल्पचर आर्टिस्ट था और हॉस्पिटल का स्टाफ टीम और रियो उसके दोस्त। उसका मेंटल हॉस्पिटल हीरो से वो क्लब था। उसकी इमेजिनेशन में उसने अपने चाइल्डहुड एब्यूज़ को भी जेम्स के रूप में ऐड कर लिया था, जहाँ पर वो एब्यूज़ से जेम्स की हेल्प करना चाहता था क्योंकि रियल लाइफ में उसकी किसी ने भी हेल्प नहीं की थी। बहुत समय तक जेम्स यानी कि गैम्बिर की माँ का फेस नहीं दिखाया गया था और फोटो में भी उसका फेस गायब था। इसका मतलब ये था कि गैम्बिर अपनी माँ से इतनी ज़्यादा नफरत करता था कि वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था और ना ही उसे कभी भी याद करना चाहता था। वीडियो के एक पॉइंट में मैंने कहा था कि टीमो ने गैम्बिर को अपने लिए जीत को कहा था, तो असल में टीमो गैम्बिर को उसकी इमेजिनेशन को हराने को बोल रहा था। तेलिडा उसे रेड डोर को खोलने से मना कर रही थी। वो रेड डोर गैम्बिर के दिमाग में है जिसके पीछे उसके चाइल्डहुड की भयानक यादें थी। वो ओल्ड लेडी जो कि गैम्बिर से पूछ रही थी कि उसने वो डोर क्यों नहीं खोला, मतलब कि वो गैम्बिर को उसका सच जानने को बोल रही थी। मूवी के आखिर में गैम्बिर एक फादर के रूप में कह रहा था कि फॉरबिडन डोर का बंद रहना ही ठीक रहेगा, क्योंकि उस डोर को खोलने से गैम्बिर की मेंटल हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी और यह सब बस उसका इमेजिनेशन था। अगर गैम्बिर चाहता तो अच्छा इमेजिन करके उसका दिमाग शांत कर सकता था। प्रेग्नेंट स्कल्पचर से गैम्बिर समझना चाहता था कि एक बेबी के लिए उसकी माँ ही सब कुछ होती है। प्रेग्नेंट लेडी के स्कल्पचर से गैम्बिर ये समझाना चाहता था कि एक बेबी के लिए उसकी माँ ही सब कुछ होती है। अबॉर्शन की स्टोरी से गैम्बिर यह सोच रहा था कि अगर उसकी माँ ने उसे पैदा होते ही मार दिया होता तो यह सब उसे नहीं सहना पड़ता। उसकी माँ को उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उसको पैदा किया और उसका पूरा बचपन एब्यूस में गुजरा, जिससे कि उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मूवी के आखिर में गैम्बिर एक फादर के कैरेक्टर में दिखा, मतलब कि अब गैम्बिर के माइंड में एक अलग कैरेक्टर के साथ में एक अलग स्टोरी बन रही थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग और कन्फ्यूजिंग मूवी लेकर आने वाला हूँ।